छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिक्षक दिवस आरडी तिवारी स्कूल के बच्चों ने विशेष रूप से मनाया। बच्चों ने अपने शिक्षक की ही तरह विनम्र बनने और देश का नाम रोशन करने की बात कही। साथ ही कहा कि एक लक्ष्य बनाकर स्कूल सहित अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। वही शिक्षकों से जब चर्चा की गई तो उनका कहना है कि वो कोरोना काल में छात्रों को जिस शिक्षा के पायदान पर खड़ा किया वो एक संघर्ष ही तो है, लेकिन जिस तरह से बच्चे उभर कर सामने आ रहे हैं ये उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। हमारे स्कूल के शिक्षकों के बारे में कुछ कहने लायक ही नहीं है, क्योंकि वो इतने बढ़िया है और इतने अच्छे तरीके से हम लोग को समझाते हैं और हम समझते हैं, तो उससे हमारे शिक्षकों के ऊपर तो हमें प्राउड फील होता ही है हमेशा। मैं बड़े होकर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, उनको देख के मुझे प्रेरणा मिलती है उस चीज़ की। आज हमने ये प्रोग्राम मतलब टीचर द्वारा रखा गया था, शिक्षा मड़ाई जो हुआ उसके कारण मतलब जो CM साहब ने हमारे लिए इतना किया है, बच्चों के लिए इतना किया है, उसके लिए आज शिक्षा मड़ाई रखा गया था, जिसमें उनको धन्यवाद करना था, इसके कारण ये रखा गया। टीचर्स है ही बहुत अच्छे, जो बहुत प्यार से समझाते हैं, किसी को मारते पीटते नहीं है, और बच्चे भी बहुत प्यार से ही समझ रहे हैं। हमारी फैकल्टीज अगर अच्छी होंगी ना तो सारे हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा जाएगा। किस तरीके से फ्यूचर चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? I want to become an IAS officer. सर, लॉकडाउन में संक्रमण का खतरा तो था ही, तो मुझे लगा बच्चे नहीं आ रहे स्कूल तो मैं स्कूल को ही बच्चों तक लेके जाऊं, और एक एक मोहल्ले में जाता था, मैं एक घंटी रखता था, जैसे घंटी की आवाज़ सुनते थे बच्चे आते थे, फिर प्रेयर करते थे, उसके बाद अपने अपने घर के सामने बैठते थे, ताकि ना तो बच्चों का एक दूसरे संपर्क हो और ना मुझसे संक्रमण का खतरा बढ़े। और इस तरह से अपन हिंदी में पठन कौशल विकसित किया हम लोगों ने, और गणितीय संख्याओं पर ही बात की कि बच्चे जो सीखें वो जीवित रहे कोविड काल तक।